बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको वाइट चिकन कोरमा बनाने की रेसिपी बताऊंगी। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए उनमें 1 टीस्पून जिंजर और 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट शामिल है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून साल्ट, और ये इतने साइज़ का मैंने एक लेमन जूस निकाल लिया इधर, और 100 ग्राम हम कैश्यू नट्स लेंगे, 1 ओनियन उसको हम पेस्ट बना लेंगे, और ये मैंने एक चिकन लिया इधर, और ये 1 कप योगर्ट है। साथ कुछ मैंने साबुत मसाले ले लिए हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा, और ये थोड़ी सी ब्लैक पेपर साबुत लेनी है हमने, 2 मैंने मोटी इलायची ली हैं, 5 लौंग ली हैं, और 2 हमने सिनेमन स्टिक्स ले लेनी है। साथ ही हमें 2 ग्रीन पेपर की भी ज़रूरत पड़ेगी। चिकन को हम अपने मसाले लगा के और कुछ देर के लिए 10 मिनट तक तकरीबन हम इसे रख लेंगे। सबसे पहले मैं इसमें ये लेमन जूस ऐड करूँगी, 1 लेमन का जूस मैंने निकाल लिया है। अब इसमें मैं 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और साल्ट ऐड कर दूंगी, और ये 1 कप योगर्ट है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसे मिक्स करके और 10 से 15 मिनट तक रख देंगे। अभी जो हमने एक ओनियन लिया था उसकी हम पेस्ट बना लेंगे। अब प्याज की पेस्ट बन गई है, अब मैं कैश्यू नट्स की भी पेस्ट बना लूंगी। अब मैं इसके अंदर जूस मसाले डाल दूंगी, ये सब चीज़ें हम डाल देंगे। साथ ही अब हम अपने ओनियन पेस्ट ऐड करेंगे। अब मैं इसमें चिकन ऐड करूंगी। अब चिकन को हम 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे, जब तक ये गल ना जाए और ऑयल अलग ना हो जाए। उसके बाद फिर हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स अंदर ऐड करेंगे। अब मैं इसमें पेस्ट ऐड करूंगी कैश्यू नट्स की, साथ ही एक ग्रीन चिली भी ऐड कर दूंगी। और अब हमें इसका पानी खुश करना है, जब ये ऑयल छोड़ देगा फिर हम इसको डिश में निकाल लेंगे। अब इसका पानी खुश करते हैं, आप देख सकते हैं ये साइडों से सारा ऑयल निकल रहा है। अब बस मैं इसको बर्तन में निकाल लूँगी, थोड़ी सी इसके ऊपर गार्निशिंग कर देते हैं। अब बस हम इसको निकाल लेते हैं।